ये राइड शुरू करने का मेरा एक सबसे मेन मोटो ये था कि ये ही टूट ही होता है, ट्राइपॉड गुम होता है। मेरी अंगूठियाँ छोटियाँ पड़ गई यार, कोई अंगूठी देने वाली है नहीं। आप मंदिर में आके ये सब करते हो? क्योंकि अभी थोड़ा सा मूड मेरे बहुत खराब चल रहा है। Hey, welcome back to my YouTube channel. My name is Karan Malhotra and you are watching Karan Malhotra. चैनल का नाम सोच लिया बट थोड़ा बहुत रिसर्च करके तब नाम चेंज करूँगा, नहीं तो करण मल्होत्रा ही रखना पड़ेगा। सो आज संडे है, नंबर प्लेट टेढ़ी है और हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम। प्लान मेरा ऋषिकेश का कि ऋषिकेश जाऊँ या बुरासखंडा डेनोल्टी की साइड एक छोटी सी राइड मारूं। अगर ऋषिकेश जाऊंगा, वैसे तो ऋषिकेश का मन है, तो ऋषिकेश तो मैं राइड मार लूंगा। बुरासखंडा या डेनोल्टी के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिप करते हैं जीरो। हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बाइक की सर्विस करवा चुका था, अब ये है कि बाइक चलेगी मस्त। कहाँ से जाऊँ? पहले मेरे को जाना है घंटाघर से मुझे एक सामान उठाना, दिसंबर की प्लानिंग चल जाएगी। दिसंबर में एक लंबी राइड मारी जाएगी। अब वो राइड कैसे होगी वो देखना पड़ेगा। ग्लव्स ना ये थोड़े ढीले हो गए हैं। जब दिसंबर की राइड होगी ना तब ग्लव्स भी चेंज करने हैं और मुझे राइडिंग बूट भी लेना है यार। बिना राइडिंग बूट और ग्लव्स के ना मजा नहीं आता। और वैसे भी दिसंबर में ठंड होगी तो हालत खराब हो जाएगी। अब तो सेविंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि फिर भाई और टायर बाहर निकाल ले अपनी गाड़ी का। तो ये संडे है, ठेके के यहाँ जाम ही लगा है। तब भाई और बीच में लगा ले। अरे चल भाई आज ही चल जाएगा। क्या चाय वाला बैठा A few moments later. मेरी किस्मत इतनी प्यारी है कि ये ही टूट गई। अब क्या मैं ब्लॉग करूँ, मोटर ब्लॉग जो बॉय। सो मैं घंटाघर से तो आ गया था बट मैं ये सेटअप कर रहा था और ये सेटअप ही टूट गया। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स ऋषिकेश। मेरा एक ऐसा पड़ा हुआ है बट वो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि वो हेलमेट पे सेटअप नहीं होता, बट वो मैं उसको ट्राई करूंगा सेटअप करने के लिए। अब मैं GoPro ही लूंगा भाई, मैं थक गया हूं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कभी मोबाइल का वो टूटता है, कभी ट्राइपॉड गुम होता है, कभी कुछ नाउ
अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, अब वहीं चल के देखते हैं कि क्या होगा। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. अब यहाँ से अपन स्ट्रेच मार नहीं सकते, आराम आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया के बाद ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास में पड़ता है और बस अड्डे भी मेरे से यहाँ से पास ही पड़ता है। पास ही है मतलब पड़ता है क्या, पास ही नहीं है। तो अब 70-80 की स्पीड में आने वाले के बाद अब यहाँ चलेगी 20-30 पे गाड़ी। मैं अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकता था और आज सोचा बिधारी के रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं ऋषिकेश में तो एंटर कर चुका हूँ, बट उससे पहले मुझे बात करनी थी, मैं करी नहीं। ये राइड शुरू करने का मेरा एक सबसे मेन मोटो ये था कि मुझे, मैं हो रहा थोड़ा सा पागल, ठीक है, मैं चीज़ों पर हो रहा हूँ इरिटेट बहुत जल्दी। तो मुझे राइड करनी थी और ऋषिकेश तो मेरे लिए वैसा है कि मुझे हाँ ऋषिकेश जाना है, मेरा मन लगता है यहाँ पे। तो यहाँ जाके मुझे शांति, लोगों से दूर, सोलो राइड हो गई, मस्त मौला। बट इस ट्रिप के एंड में देखूंगा कि मैं अभी थोड़ा सा शांत हूँ कि वैसा ही गुस्से वाला हूँ अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मूड मेरे बहुत ख़राब चल रहा है। और मैं लिटरली लोगों को इशारा करूँ कि भाई दूर रहो, ठीक है, उंगलीबाजी मत करो, जो उंगलीबाजी करेगा मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं किसी ना किसी को सुना दूँगा, बट लोग समझ नहीं रहे इस बात को। तो अभी हम शांति की तलाश में ऋषिकेश को सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, कुछ घंटों के लिए, सॉरी। तो यहाँ से वापस अभी ऋषिकेश में मैं आगे हट करता हूँ, ये बात करनी थी मैंने करी। तो रामझूला में टू व्हीलर का आना जाना बंद कर रखा है, अंकल बता रहे हैं एक महीने से बंद है। मेरे को सामने जाना था, मेरे को लंबा घूम के जाना पड़ेगा। सामने मंदिर दिखा दो, ये मंदिर है जो हमको सामने जाना है। अच्छा खासा रामझूला जा सकते थे, बट अब वो वाला लेना पड़ेगा। बाल समेर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सो मैं भूतनाथ टेम्पल आ गया हूँ, ठीक है। अब बाइक लगाने के बाद मुझे एक नया यहाँ पे स्कैम दिखा। मुझे ये मंदिर अनिरुद्ध ने दिखाया था, मैं तब से आ रहा हूँ। तब से हमने आज तक यहाँ पे कभी ऊपर प्रसाद के लिए नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना, नहीं तो सुना तो बात अलग है। बट नीचे से शुरू हो गया कि प्रसाद ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, बिना प्रसाद के एंट्री नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको नीचे से ही प्रसाद लेना पड़ेगा। नीचे बहुत सारी दुकानें आपको हाथ दे के रोक रही है बार बार, रोको रोको रोको, अब प्रसाद ले जाओ, दैट्स इम्पॉसिबल। आप मंदिर में आके ये सब करते हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं अभी यहाँ बैठ के अपना गायत्री मंत्र पूरा ख़त्म करूँगा, जाप जो मैं 15 बार का करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सो लेट्स वेट। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे। मेरे को लग रही है थोड़ी सी भूख पहले लग रही थी, अब कम हो गई है। जाते जाते यही बोलूँगा कि यहाँ तुम लोगों की बारात नहीं आई थी, जो तुम अपना यहाँ नाम लिख रहे हो, बदतमीज़ो। मुझे लगा सिर्फ ये दीवार है, बट ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। अबे बदतमीज़ो, अब क्या क्या लिखवा रखा तुम लोगों ने, कि सामने सब जगह लिखा हुआ है। सो दर्शन तो हो गए, अब लग रहे पेट, पूजा तो हो गया, पेट पूजा की बारी का। अब यहाँ से अपन निकलेंगे, कहाँ खाने जाऊँ, राम झूला उन्होंने बंद कर रखा क्या, ये जूता ना मुझे काट रहा, उल्टा उतरना पड़ेगा। तो यहाँ से उतरते हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए, मुझे शॉपिंग करनी है, आई डोंट नो व्हाई, अब हमको करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, कुछ खरीदने का मन कर रहा। मेरी अंगूठियाँ छोटियाँ पड़ गई यार, कोई अंगूठी देने वाली है नहीं, तो अंगूठी खुद लेनी पड़ती है अपने लिए। और एक ब्रेसलेट भी देख लूँगा अगर पसंद आया तो। वैसे मैंने एक कॉपर की रिंग यहाँ से ली थी बहुत पहले, अभी 2 साल पहले ली थी यार, बहुत पहले गया, 2 साल पहले मैंने कॉपर की रिंग ली थी। अभी एक और देखते हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए, चल रहा लेट्स गो।
मैंने कितने रिस्की तरीके से बाइक लगाई है, क्यों मुझे यहाँ के मोमोज खाने थे। मैं जब दिवाली पे आया था तब मैंने यहाँ के मोमोज खाए थे रात को, अब एक बार फिर खाते हैं, बहुत अच्छे मोमोज बनाती है आंटी। तो जो भी अगली बार ऋषिकेश आएगा वो इस भाई साहब से जरूर मिल के जाना, ये है वो भाई साहब। तो चाय पे लिख लीजिए चाय, और अभी फैन आएंगे, चाय ठंडी पीता हूँ मैं। तो मेरी छोटी सी रिफ्रेशमेंट राइड अब यहाँ समाप्त होती है, मैं ऋषिकेश से बाहर निकल चुका हूँ, अब जंगल एरिया स्टार्ट हो गया। अब मैं लगाऊंगा नुसरत फतेह अली खान जी को गाने में, और 70-80 की एवरेज सीधा, बस यही है। सो अभी मेरी जो रिफ्रेशमेंट थी वो अब आ गई है वापस, सुबह तक नहीं थी। अब एक छोटी सी राइड मेरी यहाँ समाप्त होती है, ठीक है, घूम लिया, मन तो था रुकने का बट क्या रुक नहीं सकता हूँ। तो होपफुली दिसंबर में मैं एक राइड करने वाला हूँ के लिए मेरी मार्सल, और आई एम सेविंग समथिंग कि जो दिसंबर की राइड होगी वो मैं चाहता हूँ अच्छी जाए मेरे लिए, ठीक है। मेरा प्लान अनिरुद्ध के साथ था, अनिरुद्ध का भी कुछ कन्फर्म नहीं है, मुझको मेरा भी अब डाउट में आ गया। तो अभी मैं सिर्फ एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि सब कुछ अच्छा जाए, या मैं यहाँ से वापस अपने गांव जाऊँगा डूबी गाँव। और ये होती है मेरी आज की यहाँ से रिफ्रेशमेंट खत्म। होपफुली मैं अपने घर वालों को, अपनी नई प्रॉब्लम को और पुरानी प्रॉब्लम्स को एक महीना जेल लूँगा, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो पता नहीं क्या रिएक्ट करूँगा। बट ये राइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस जिस हद तक अभी पागल हो रहा हो ना, कोई हल्का से भी कुछ बोल रहा है, मेरे को इतना गुस्सा आ रखा था, गुस्सा तो अभी भी आ रहा था, बट हाँ थोड़ा सा अपन बाहर निकल के अपन मस्त इंजॉय किया। मन तो था मेरा संडे को रुकने का, और मतलब सैटरडे की रात को रुकने का और संडे को वापस जाने का, तो हो नहीं पाया, बट ठीक है, गॉड्स प्लान बोल के हम आगे चलते हैं हमेशा। मे बी गॉड इज प्लानिंग समथिंग फॉर बिग मी समवेयर। ये करते हैं हमारा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, होपफुली ये वीडियो जो भी आई होगी, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। Somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure. I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug.